बारे में अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों दोस्तों ये व्लॉग आज शुरू कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट व्लॉग, मेरा पहला व्लॉग है। तो ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं आज, तो ये वीडियो बना रहे हैं आपके सामने। ये रेत के टीले हैं भाई, ये दरअसल हमारा इलाका जोल सा है वो मिलता है बॉर्डर के साथ, इंडिया के बॉर्डर के साथ, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है तो मेरा सखर से नीचे पूरा, और सांगढ़ के दरमियान में आता है हमारा इलाका। जैसलमेर जो रेगिस्तान है उसके मतलब साथ टच होता है हमारा इलाका। ये आप देख सकते हैं, ये इतने बड़े टीले हैं और बहुत अच्छा सा माहौल है भाई इधर। ये खेत हैं सारे टोटल, मतलब खेती बाड़ी करते हैं लोग इधर। ये टोटल एरिया जोन सा है वो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इस तरफ जोन से वो टीले हैं रेत के, बड़े बड़े टीले हैं जी। मतलब इधर से चली गई, इधर से शुरू होती है, मतलब वो जो है ना अपना जिसको खेत रख कहते हैं टीले, बस यही वो शुरुआत है इंडिया के बॉर्डर के साथ लगती है, यही शुरुआत है, बस इधर से शुरू होती है। ये सीधा जोन सा है, मतलब चला जाता है, मतलब इंडिया के बॉर्डर के साथ जाके लगती है ये, बस इस इधर से आगे मतलब रेत के टीले हैं। दरमियान में है एक अपना कहते हैं जिसको नारा कहते हैं, उसका थोड़ी सब्ज़ वाली है, दरिया आता है नारा किनारे जिसको कहते हैं, वो थोड़ा आता है, लेकिन मतलब इंडिया के बॉर्डर के साथ टच होता है इधर से। वही असर का टाइम, असर की नमाज़ पढ़ कर मैं जा रहा हूँ, बकरों वास्ते थोड़ा सा घास लेना है, तो मैं अपने फसल से उधर से मतलब घास थोड़ा तोड़ना है, उसके बाद आके अपना चारा देना है बकरों को। नाजरीन आप देख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा सा पुरसकून माहौल है बिल्कुल। नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और साथ दो हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो हमें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी भाई। ज़रूर लाजमी हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको सिंध से लेकर लाहौर तक के, कराची से लेकर लाहौर तक के हर शहर के वीडियो इस चैनल में मिलेंगे आपको, जहाँ भी मतलब जाना होता है आपको इस ये वीडियो मिलेंगे आपको, मतलब कराची से लेकर लाहौर तक हर शहर का, हर गांव का, चप्पे चप्पे का आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल में, कि हर इलाके की ज़बान, उसकी लिबास, उसका खाना पीना कैसा है हर इलाके का, सिंध का और पंजाब का, क्योंकि ये मिक्स चैनल है सिंध और पंजाब का। छोटे बच्चे फोटो करना ही, ये आप देख सकते हैं इधर खेती बाड़ी होती है, गांव है, ये दूसरी कास्ट है। मतलब सिंध में इस तरह होता है ना कि मतलब कबीला होता है, मतलब बिरादरी होती है, एक मल्ला खास के लिए मतलब इस तरह होती है, जो बिरादरी होती है उनका ये गांव है। हम मतलब जा तो सकते हैं लेकिन हमारे साथ ही रहते हैं। ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टेनी टेनी भाई, पुरसकून इलाका है ये बहुत, पुरसकून मतलब जो कर पुरसकून इलाका, हर तरफ मतलब हरियाली हरियाली। हर तरफ ये हमारा फार्म है, इसमें इधर हमने कपास खेती की, इस कपास का फसल है,
जैसे हमने घास तोड़ना है बकरों वास्ते, ये बहुत मतलब हरियाली हरियाली, ठीक है ना भाई जी, बहुत खूबसूरत। ये सिंध में इस तरह होता है यार, मतलब ना ये देखें इस तरह ही मतलब खेती बाड़ी होती है। ये कपास की फसल है देख सकते हैं, मतलब जो उसमें जुअर हमने ये उगाई है ना मवेशी माल मवेशी के लिए, जिस तरह उसको मतलब थोड़े बड़े होंगे ना तो उसकी जो सारी मतलब ये इसका गंद साफ करके टोटली कसी से ना कसी लगा के इसको सारा गंद साफ करके इसको फिर हमने ऊपर चढ़ा देना, फिर इसको ऊपर चले जाएंगे, इसको खाद डालनी है, फिर इसको फिर ये ऊपर चढ़ जाएंगे, सारे सारे निकल जाएंगे। तो कपास छोटी है बिल्कुल, अभी इसने मेरे भाई ने इसको लगाया है, अभी 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 ताज़ा ताज़ा चोपा किया हमने, ठीक है ना भाई जी। ये भूसा है, भूसा मवेशियों वास्ते गंदम का जो निकलता है वही है। ये सारा लगा जनसा ना वो करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और मतलब हर जोन से इलाके आप दे सकते हैं मेरे चैनल में, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।